अगर आपकी कंट्रीब्यूशन जा रही है, आपको अभी तक कार्ड मशहूर नहीं हुआ, तो आप ईओबी की वेबसाइट पे जाकर कैसे अपना डुप्लीकेट कार्ड या न्यू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, यहाँ ईओबी लिखना है। ईओबी आपके पास इस तरह का पोर्टल ओपन होगा, इस पे ईओबी पे क्लिक करें। यहाँ ईओबी फैसिलिटेशन सिस्टम पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो आपका कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड है, यहाँ उसकी डिटेल लिखें। जैसे मेरे पास ये यूजर नेम और पासवर्ड है, मैं इसको लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आपने एम्प्लॉय सेक्शन पे आना है। एम्प्लॉय सेक्शन में सबसे लास्ट पे आ रहा है एडिट डिटेल एंड और का रिक्वायर्ड कार्ड, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। वो आपसे, क्योंकि मेरे पास ये सब कोड भी हैं, तो आपका जो मेन कोड हुआ है उस पर क्लिक करें और आपके पास इस तरह का सर्च बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप अपना आईडी कार्ड एंटर करें, जिसका भी आपने डुप्लीकेट कार्ड प्रोसीड करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3130349005595, तो इसको आप सर्च करेंगे तो ये आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ अगर आपने कोई अपना डेट ऑफ बर्थ या मैरिटल स्टेटस कुछ भी डाटा चेंज करना, तो यहाँ आप डाटा चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ कोई डाटा चेंज नहीं करना, मेरा डाटा अपडेटेड है, इसलिए मैं यहाँ आई रिक्वायर डुप्लीकेट ईओबी कार्ड पे और यहाँ रीजन सेलेक्ट करूंगा, एनी अदर रीजन या लॉस्ट द कार्ड, कार्ड नॉट रिसीव येट, यहाँ आई कंफर्म, उसके बाद अपडेट डिटेल, ये मैंने अपडेट कर दिया और मेरा ये डुप्लीकेट कार्ड जो है उसकी रिक्वेस्ट जनरेट हो गई है। आप दोबारा वहां रिटर्न टू होम पे जा सकते हैं। अगर आपने चेक करना हो कि आपने कितने लोगों की, कितने एम्प्लॉयज की डुप्लीकेट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ एडिट डिटेल पे जाएं, यहाँ अपनी ब्रांच सेलेक्ट करें, यहाँ आप क्लिक हेयर पे करें और यही मैंने अभी तक 2 लोगों का डुप्लीकेट कार्ड अप्लाई किया हुआ है। ये उसका स्टेटस भी बता रहा होता है कि ये इन क्यू में है या आपका कार्ड बन चुका है, तो ये किस डेट को आपने अप्लाई किया था, वो भी यहाँ स्टेटस आपका खड़ा है। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ईओबी के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। बंडल ऑफ थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।